वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्माइल टीम ब्लॉग्स। जो फ्रेंड इस समय देखिए हम अजमतगढ़ में हैं और सलोना ताल के पास में है। जो देखिए सलोना ताल का जो सलोना ताल नहर पंप गिरी है उसी के पास में है। और आपको हम प्रॉपर चलते हैं ताल के अंदर, प्रॉपर आपको जानकारी देंगे। और यहाँ की ताल के अंदर जो भी हैं लोग, थोड़ा उनसे भी बातें करेंगे और ताल में चलकर थोड़ा देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है, मछलियाँ भी लोग पकड़ते हैं। थोड़ा यहाँ पे पंप के पास में एक भैया जी बैठे हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं, देख रहे हैं कुछ बता रहे हैं कि नहीं। भैया जी नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते बोलिए। और बताइए कैसे हैं? ठीक है। हाय बोलिए हमारे दर्शकों को। हाय। ये यहीं पे आपका प्रॉपर घर है? हाँ यहीं पे हमारा घर। अच्छा, इस ताल में सिर्फ मछलियाँ ही पकड़ने वाला काम होता है ना? हाँ, केवल मछली का है। मछली मतलब यहाँ पे कमल का पोस जो कलकट्टा बनता है उसको तोड़ने के लिए सब। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जैसे इस ताल में कमल का फूल भी खिलता है और उस फूल का भी उद्योग होता होगा। तब तो उसको तोड़कर सब बेचते हैं, दूर दूर तक भेजा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए फ्रेंड सर जी बता रहे हैं कि उसको को जो कमल का फूल होता है उसमें से कोलगट्टा कोई फर निकलता है, फल होता है, उसको दूर दूर तक भेजा जाता है। और इस ताल से मछलियों का और वो कमल के फूल के कोलगट्टे का उत्पादन यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा भैया जी यहाँ पे जो पंप है इसकी सप्लाई इस समय चालू है ना? हाँ चालू था, अभी दो चार दिन पहले चालू था, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है उसमें जो पंप सेट में है उसमें थोड़ा कचरा फंस गया है, उसको अब साफ करके फिर से अब चालू किया जाएगा। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू भैया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए हम आपको ताल के अंदर ले चलते हैं और वहाँ पर की प्रॉपर जानकारी आपको हम देंगे। गाइज यही अजमतगढ़ का सलोना ताल है, इसी को हम प्रॉपर चलकर आपको दिखाएंगे और कृपया आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये फ्रेंड भैया जी के साथ हम लेकर चल रहे हैं और इस सलोना ताल में। भैया जी आपका नाम क्या है? प्रमोद सानी। भैया जी का नाम प्रमोद सानी है और हम लोग चल रहे हैं नाय के पास और उसी के सफ़र से, और हम लोग सलोना ताल की पूरी वीडियो बनाएंगे। हम अब नाव पर बैठकर निकल चुके हैं और ताल के अंदर हम एंट्री मार रहे हैं। फ्रेंड आप लोग देखते रहिए और इस ताल का आनंद उठाते रहिए। देखिए कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए फ्रेंड हम ताल के अब बीच में आ चुके हैं और आप लोग जरूर देखिए इसको। देखिए ताल में एक लोग मछली मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे हम आपको आप लोगों से मुलाकात कराते हैं और पूछते हैं कि ये चाचा जी क्या कर रहे हैं ताल के अंदर। हाँ सब ठीक है बाबू। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बस यही पे जाल छोड़ रहे हैं। जाल छोड़ रहे हैं।
मीडिया बना रहे हैं। हाँ मीडिया वाले हैं तो आप यही है जाल। हाँ यही फंदे हैं तो इसमें मछलियाँ फंस जाएंगी। और हमारे दर्शकों का हाय बोलिए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दिनेश है। दिनेश है, आप प्रॉपर इसी अजमतगढ़ के हैं? अजमतगढ़ के। ठीक है, थैंक यू। देखिए फ्रेंड, ताल की सुंदरता देखिए, यहाँ का ताल बहुत सुंदर है। देखिए देखिए फ्रेंड, देखिए लोग, देखिए ताल के बीचों बीच लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड, आप लोग यहाँ एक बार ज़रूर आइए और इस ताल की सुंदरता देखिए, सलोना ताल की। देखिए फ्रेंड, इस सलोना ताल में एक बार आप लोग आइए और आनंद उठाइए। सब अपन धंधा के लिए पूरा, फिर उसके बाद फ्रेंड अब हम बाहर निकल रहे हैं, इसलिए अंदर जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए अब बाहर निकल रहे हैं। आप हमारे साथ अभी बने रहिए, आगे चाचा चाची हैं, थोड़ा बात करा रहे हैं। कल लगे कि क्या मैं? जी लोग तैयार हैं पूरा नाव को सलोना ताल के अंदर ले जाने के लिए, थोड़ा इनसे हम पूछते हैं। अरे भैया वो जो सर आए था उतार उतारा ना। और चाचा जी कैसे हैं? ठीक है। इस नाव को अब ताल के अंदर ले जाने वाले हैं? मच्छी मारने के लिए। अच्छा, मच्छी मारने के लिए, ठीक है। आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध साहनी। अनिरुद्ध साहनी, कब से मछली वाला काम कर रहे हैं? हम लोग बाहर प्रदेश के आदमी हैं, आ जाते हैं घर पे तो थोड़ा मोड़ा खाने पीने के लिए अपना। ठीक है, चाचा जी बाहर और रहते हैं, अब प्रॉपर घर पे रह रहे हैं, इसी की वजह से अब घर पे यहाँ पे सलोना ताल में मछलियाँ पकड़ रहे हैं और इसी मार्केट में अपना बेचते उचते लोग हैं। फ्रेंड जी यहाँ पे भी दो लोग बैठे हुए हैं, जो एक लोग तो हमको लेकर गए थे, एक भैया आए, इनसे भी बात करते हैं। और भैया कैसे हैं आप? ठीक हैं। इस नाव को ताल के अंदर ले जाने वाले हैं? तो आप भी मछली पकड़ने का काम करते हैं? ठीक है, हमारे दोस्तों को आए बोलिए। ठीक है, थैंक यू। ओके चाचा जी, नमस्ते। नमस्कार। और चाचा जी कैसे हैं? बढ़िया हैं। अरे चाचा जी, आप इस सलोना ताल के बारे में कुछ जानते हैं? दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा, तो ये कितने में होगा लगभग में बताइए? ये ताल सलोना के नाम से जाना जाता है, 700 एकड़ में हम सुनते हैं, 700 एकड़ में। 700 एकड़, हाँ ये हम लोग सुनते आ रहे हैं बहुत ज़माने से, और इसका विस्तार बहुत बड़ा है। इसमें निषाद समाज के लोग अपना जीविका चलाते हैं। जी जी जी। और यहाँ कम से कम 1000 घर निषादों का है। जी जी। अजमतगढ़ ताल से लोग किनारे किनारे, तो यही रोजी रोटी है उनकी, मछली मारने का और वही एक जीने का सहारा है, और थोड़ा बहुत इसमें खेती किनारे किनारे लोग करते हैं। मतलब इस ताल से जो यहाँ के लोग हैं प्रॉपर खुश रहते हैं, हर मौसम में खुश रहते हैं? जी जी जी, हमेशा खुश रहते हैं। ताल ताल ही उनका जीविका है, ताल ही उनका रोजी रोटी है, इस नाते उनको खुशी तो भाई जिससे उनका जीविका चलता है, किसी आदमी का अगर किसी चीज़ से अगर जीविका चलता हो तो उससे वो खुश रहता। देखिए गाई, ये ताल बहुत बड़ा है, जो सर बताएं 700 एकड़ में है, जो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे
जो भी लोग रहते हैं इसी से जीविका उन लोगों की चलती है, यही उन लोगों के लिए खेती के समान है। और ये हर मौसम में यहाँ पे मछलियों का उत्पादन किया जाता है हर मौसम में। और इसमें वो कमल का फूल भी टाइम से वो अपने सीजन में खिल जाता है, उसका भी प्रॉपर धंधा किया जाता है यहाँ पे। त्रिता जी आपका नाम क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा नाम सत्यदेव निषाद है।